राजपाल आखिर उसके बाद पीछे से आने के आकर उसको 100 की स्पीड से टक्कर मारते हैं। उस टक्कर में उस नौजवान की बीवी और 3 साल की बच्ची घायल होती है। उसके बाद भी बावजूद भी उनके ऊपर जीना छोड़ का खेल खत्म हुआ था। हमारे मुदाखलत के बाद 302 दाखिल हुआ तो हमारे मुदाखलत की क्या जरूरत थी जब इतनी गंदी जहानत के साथ कोई जुर्म करेगा और मुजरिम के साथ पुलिस नरमी बरतेगी तो हम क्या समझेंगे। उसके बाद आर्मी में हमारे एक बुजुर्ग थे जिनका नाम महबूब साहब कुरैशी था। उनका एक आस्थाना बनाया था उन्होंने और वो आस्थाना इस नियत से बनाया था कि उनके इंतकाल के बाद वो वहां पर दफन होंगे। लेकिन एक शख्स इस भारत में, इस आजाद भारत में अपने मर्जी के मुताबिक दफन होने को तो मजबूर है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। अगर पुलिस प्रशासन ने वक्त रहते गैर दस्तूरी मांग करने वालों को खाकी दिखाई होती, अगर पुलिस प्रशासन ने गैर दस्तूरी जिद करने वालों को कार्रवाई की होती या वैसी हरकत करने से रोका होता तो आज वो बुजुर्ग अपने मर्जी की जगह पर दफन होते। तो इससे मुसलमानों में एक बेचैनी पैदा हुई है कि हम जिसको अपना बड़ा भाई मानते हैं हम उनके पास अपनी पीड़ा लेकर जाते हैं, अगर वो हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। उसके बाद लातूर के तमाम लोगों में ये कैफियत पैदा हो चुकी है कि लातूर का गांधी चौक नौजवान मुसलमानों के, बेखसूर मुसलमानों के कानूनी खतर का बना हुआ है और उसकी मिसालें ही नहीं बल्कि उसका बाजाब्ता हमारे पास अफिडेविट भी है। 3 लड़के 3 नौजवान यकीनन हम नौजवानों की गलती पर उनकी सराहना नहीं करेंगे, किसी के जुर्म की हम तारीफ नहीं करेंगे। 3 नौजवान जो एक कैफे में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पर वो कैफे वाला किसी ग्रुप को बुलाता है, वो ग्रुप आता है, उन 3 नौजवानों को मारते हुए गांधी चौक पुलिस स्टेशन तक लेकर जाता है और उन लोगों पर एट्रोसिटी और पोक्सो जैसे संगीन केस बुक किए जाते हैं। एट्रोसिटी और पोक्सो जैसे संगीन केस बुक किए जाते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, वो लड़कियां कहती हैं ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, हमें कोई तकरार देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका तकरार लिया जाता है और केस बुक किया जाता है, वो बच्चों को जेल में भेज दिया जाता है। परसों के दिन वो अर्जार वो बच्ची मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराती है और मोहतरम एसपी साहब को एक लेटर भेजती है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, उन लड़कों ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब हमारा ये सवाल है कि पुलिस प्रशासन इस तरीके से अगर अंधाधुंध मुस्लिम नौजवानों को उठा उठाकर जेल में डालेगा तो क्या आप मुजरिमों को या जुर्म को कम कर रहे हैं या अच्छे लोगों को मुजरिम बना रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और एक केस हुआ आजमगंज गोलाई में, एक लड़के ने मैसेज किया हम उसकी तारीफ नहीं करते, उस पर कार्रवाई हुई होनी भी चाहिए। लेकिन उसके बहाने से एक अदनान नाम के लड़के को, जबकि पीआई साहब गांधी चौक के पीआई साहब ये जानते थे कि वो लड़का उसमें मुलविस नहीं है, उसके बावजूद उस लड़के का नाम डाला गया, मेरा हमारे पुलिस प्रशासन जो हमारे बड़े भाई हैं उनसे यह सवाल है, क्या अगर वो औलाद तुम्हारी होती तो क्या तुम अपनी औलाद पर भी ऐसे झूठे केस बुक करते? चार दिन की नौकरी है, अगर तुम इस 4 दिन की नौकरी पर ईमानदारी और दयानदारी से काम करोगे तो तुम्हारे जब तुम नौकरी पर हो तब भी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और नौकरी से जाने के बाद भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। मेरी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, आप चिंतन करिए कि आप गलत जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप जरा ये सोचिए कि कल को कोई मेरे बच्चे के साथ ऐसे झूठे कैसे भूख करेगा तो क्या होगा, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। तुम पढ़ लिख कर ऑफिसर बने हो, इंसानियत तुम में बाकी है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ दूजा भाव ना करें। और अजीज दोस्तों, मैं इस बात को कहते हुए अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ।
पाकिस्तान की शान अकदस में गुस्ताखी के खिलाफ है, गुस्ताखी के खिलाफ है। लातूर के हमारे पुलिस वाले भाई बोलते हैं कि इसके पास बहुत तलखी है, इन्हें ऐसी बातें करता, उन्हें वैसी बातें करता। अरे मेरे भाइयों, भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम अपने बच्चों के सर कटा सकते हैं, हम अपने बच्चों के सर कटा सकते हैं, अपने बच्चों को उतार सकते हैं, हम गर्दानी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मेरे इस बयान पर भी एक डिपार्टमेंट के हमारे साहब को ऑब्जेक्शन था कि वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं, मुख्यमंत्री को बोलते हैं। अरे यह हकीकत है, अगर अल्लाह के रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो या पूरे दुनिया का हाकिम हो, उसको हम अपनी छूटी की नाक पे रखते हैं। अजीज दोस्तों, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, किसी के दांत को तुम ही सवार सकते हो। अगर तुम्हारी निगाहों का रुख बदल जाए, अगर तुम्हारी निगाहों का रुख बदल जाए, किसी को तख्त से उतार कर तख्ते पर ला सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद लातूर